जनाबे की दमुन, जनाबे की दमुन। अपने लिए खुद ही जगह बना लो। ये तो एक गुजरगाह है जहां हर बंदा मुख्तसर अरसे के लिए कयाम करता है और अपना बोरिया बिस्तर समेट कर चल पड़ता है। नहीं छोड़ूंगा। बैठे रहो तुम। आखिर कोई रोकता क्यों नहीं इसे? जरूरत नहीं, अभी खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा? वो तो जाहिर है कि खत्म हो ही जाएगा। या तो बेचारा मौत के हाथों या जख्मी होकर। मेरा मशवरा है कि तुम फजूल में परेशान मत हो। हर एक को बिल आखिर किसी न किसी तरह मरना ही है। बस खत्म करें ये झगड़ा, इस बेचारे को इतना मत मारें। तुम बीच में मत आओ बरखुदार, वरना इसकी जगह वो तुम्हें भी मारने लगेगा। बरखुदार, तुम बड़ों के मामलात में दखल मत दो। अब बस करो, इस बेचारे में तुम्हारी मार सहने की सकत नहीं है। इतनी जरूरत नहीं कि मुझे रोक सके। छोड़ो बरखुदार, तुम अपनी खैर मनाओ। आखिर ये इंसान है, इनसे लापरवाही कैसे बरती जा सकती है? मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, अब खत्म करें इस लड़ाई झगड़े को। क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि खत्म करें ये लड़ाई झगड़ा। लो इसे देखो, मैंकी को भी जुकाम हुआ है। खामखा अब मुझे मार। आराम से। मैं कह रहा हूं मुझे छोड़ दो। आराम से, मैंने कहा आराम से। मेरा हाथ छोड़ो। तो सुकून हो जाओ, जब ठंडे हो जाओगे तो छोड़ दूंगा। मैं कह रहा हूं मुझे छोड़ दो, बशर्ते कि फिर नहीं झगड़ोगे। मेरा तुमसे लड़ने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन मेरा इरादा है। कहना बस करो। बड़ा सूरमा समझते हो? मैं फिर कह रहा हूं, पुरसुकून हो जाओ। मैंने तुमसे कहा था ना कि इन कैदियों से लड़ना नहीं। आए देर नहीं हुई कि शुरू कर दिया। मेरा मकसद झगड़ा खत्म करवाना था, झगड़ना नहीं। जनाबे की दमन, अगर ये नौजवान न होता तो नैनेहाल मुझे मार ही डालता। तो तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कैदी एक दूसरे की जान के दर पे हैं और तुम लोग बैठे सिर्फ तमाशा देख रहे हो। आज के बाद जो भी जंदान में लड़े झगड़ेगा और बदबनी फैलाएगा,
वो खुद को 100 कोड़ों के लिए तैयार कर ले। नैनीपर ने चूंकि झगड़े का आगाज किया है इसे 100 कोड़े और युजार सीप को 50 कोड़े मार। बात को बर्दाश्त कर अब आया ना असर हरीफ, तुमने देखा नहीं किस तरह नैनीफर कप्ता के सामने बैठ गया था। लेकिन ये तो कोई इंसाफ नहीं, इसे सजा नहीं मिलनी चाहिए थी। काफी है, 50 कोड़े हो गए, इसे खोल लो। पता नहीं मैं किस तरह तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। तुमने अपनी जान मेरे लिए खतरे में डाली, अगर तुम ना होते तो वो मुझे मार ही डालता। हम इंसान हैं और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आपकी मदद करना तो मेरा फर्ज था। बस काफी है, इसे अलग-अलग कोठरी में डाल दो। क्या नाम है तुम्हारा? क्या करते हो यहाँ? क्या कर रहे हो? तुम्हारी खता क्या है? मिस्र के लोग मुझे युजार सीफ कहकर पुकारते हैं। आज सुबह तक मैं पेशकार जनाब पुतिफार था। मेरा कैद होने की वजह अपने अरबाब इख्तियार की नाफरमानी और अतात न करना है। और इसके अलावा क्या सवाल था? तुम इतनी छोटी उम्र में अजीज़े मिस्र यानी जनाब पोतीफार के मुशीर खास और पेशकार थे? वो नैनीफर हमेशा कैदियों पर अपनी बर्तरी जताने के लिए मार कुटाई करता है और धौंस जमाता है। बारहा की दमुन ने उसे सजा भी दी है, लेकिन वो फिर भी जुल्म मुझे आती से बाज नहीं आता। आज नैनीफर ने पहली बार इस तरह किसी से मुंह की खाई है। मैं उसे जानता हूँ, वो निगहबान कसर पुतिफार रह चुका है। मैं तो समझा था कि जंदान ने उसकी इसलाह कर दी होगी, मगर वो एक कामयाब फातिह की तरह जा रहा था। अगर उसने इजहारे पशेमानी ना की, मानो हुजूर इतनी जल्दी कोई नतीजा अक्स मत कीजिए।
چند روز گزرنے دیں، از خود آزادی اور ناز و نعمت کی قدر و قیمت جان جائیں گے۔ جب وہ جا رہا تھا تو ایسے جیسے کوئی قید سے رہائی پا کر جاتا ہے، نہ کہ ایک اسیر قیدی کی طرح۔ امید ہے کہ ہمارا یہ حربہ کارگر ثابت ہوگا، ورنہ یا میں نہیں یا تم نہیں۔ خداوند مہربان، یوسف رنج و مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہے، تو اس کی مدد فرما۔ میں نے اپنی آزادی کو کھویا ہے تاکہ تجھے نہ کھو دوں۔ الہی، زندان کی سختیوں اور اذیتوں کو مجھ پر آسان فرما اور مجھے صبر و تحمل اور بردباری عطا فرما۔ خداوندہ، پوتیفار اور زلیخا نے میرے لیے بہت زحمتیں اٹھائی ہیں، میں نے انہیں معاف کیا، تو بھی انہیں معاف فرما اور زلیخا کو اس کے خود ساختہ نفس کی قید سے نجات دے اور اس کی اپنی جانب ہدایت فرما۔ کیا تم پہلے کسرے پوتیفار کے نگہبان تھے؟ تمہیں کیسے معلوم؟ یہ جوان تمہیں جانتا ہے۔ کیا تم مجھے جانتے ہو؟ کیوں اپنی اصلاح نہیں کرتے ہو؟ کیوں اپنی غلط حرکتوں سے باز نہیں آ جاتے؟ میں بچپن میں تمہاری چوری کا شاہد رہا ہوں اور جوانی میں تمہاری ظلم و زیادتی کا۔ کون ہو تم؟ مجھے کیسے جانتے ہو؟ میں وہی بچہ ہوں جو تمہاری اس قید کا باعث بنا تھا۔ قصر پوتیفار، خزانہ قصر، کچھ یاد آیا؟ کیسے بھول سکتا ہوں؟ میں نے قسم کھائی تھی کہ تم سے انتقام لوں گا۔ انتقام لوں گا؟ مجھ سے بچ کر رہنا۔ مجھے تم سے کوئی خوف نہیں۔ خوف ہے تو اس بات کا کہ جس راہ پر تم گامزن ہو وہاں ہلاکت کے سوا کچھ نہیں۔ ماجرا کیا ہے؟ کچھ نہیں، میرے اور نینیفر کے ماضی سے متعلق بات ہے۔ یہ کون ہیں؟ ان کا جرم کیا ہے؟ انہیں سب سے الگ کیوں رکھا گیا ہے؟ پتہ نہیں، کل لائے گئے ہیں، یقیناً ان کا جرم سنگین ہوگا۔ ان کے چہروں سے شرارت تو نہیں ٹپکتی؟ ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، معلوم نہیں کیوں۔ Thank you.
तुम्हारे बीवी बच्चों का क्या होगा? तुम जैसे गद्दार के साथ जितना भी हो कम है। अगर तुम्हारी बुजदिली और नाहली ना होती तो अमून होता अब तब मर चुके होते और हम दोनों ही आला ओहदों पर फाइज हो चुके होते और एक कसी रकम भी हमारे हाथ आ गई होती। अब तुम क्या समझते हो ये लोग हमारे साथ क्या करेंगे? मैं ज्यादा फिक्रमंद नहीं हूं। हम आमून होतब को ना मार सके तो क्या कोई और मार देगा? और तब हम आजाद हो जाएंगे, मैं मुतमईन हूं। तुम्हारे और भी शरीक जुर्म है जो तुम्हारे अधूरे काम को मुकम्मल करेंगे? कौन है वो, बताओ कौन है वो? उनके नाम बता दो ताकि यहां से निजात पा लें। तुम किस कदर बुद्धू हो अहमक। हम तब तक ही जिंदा हैं जब तक हमारे पास बताने को कुछ है। जो ही बताया तो अपना काम तमाम समझो। लेकिन मुझे यकीन है कि मैं यहां से निजात पा लूंगा और तुम भी यकीन रखो कि तुम्हारे लिए एक गद्दार होने के नाते कोई राह निजात नहीं। यानी मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरा ख्याल है बेवकूफ तुम हो, तुम्हें फरेब दिया गया है। अब जबकि तुम मुसीबत में हो तो तुम्हारी किसी ने कोई खबर ही नहीं ली। बस करो बेनरोस, बस करो, मुझे उन पर यकीन है। पूरा भरोसा है उन पर, हाँ पूरा भरोसा है। तुम फिक्र मत करो बेनरोस, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। अली जनाब, अफसोस कि ना आमून होतब और ना ही उनके अहले खाना के साथ कोई भी हादसा पेश आया है। अली जनाब, आप किसकी भी कुछ खैर खबर नहीं है। तुम्हें यकीन है कि वो गायब है? आली जनाब, जैसे उसे आसमान खा गया हो या जमीन निकल गई। उसे तलाश करना होगा। पहले कस के जंदानों में अगर वो गिरफ्तार हो गया तो किसी सूरत में भी उसकी जुबान नहीं खुलनी चाहिए। जहां कहीं उसका सुराग मिले उसे वहीं हमेशा के लिए खामोश कर। बसूरत दीगर अगर आमून को पता चल गया कि ये इकदाम कत्ल हमारी जानिब से था तो जानते हो क्या कयामत खड़ी होगी। अब तक अगर हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है तो इसका मतलब ये है कि यानी अभी किसी को भी असल मामले की खबर नहीं। और अगर आपोपीस गिरफ्तार हो गया है तो उसने अब तक मुंह नहीं खोला है। आप फिक्र ना करें अली जनाब, उसे जमीन निकल गई हो या आसमान खा गया हो, जहां भी हो हम उसे ढूंढ निकालेंगे। नीमी साबू, निमी साबू। जी 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 अली जनाब। ये क्या है? कुछ खाने पीने की चीज़ें लेके जा रहा हूँ जुजार सिफ के लिए। ये भी मेरी तरफ से किदामन को देना और उसे मेरा सलाम कहना और कहना कि जुजार सिफ को नहायत अजीम व मोहतरम रखी और उम्र जंदान की असलाहत के ज़मन में उनसे बहरमंद हूँ क्योंकि वो इस कम उम्र के बावजूद नहायत ही माहिर और तजुर्बेकार और दानव हकीम है। जी जरूर जरूर आली जनाब, जरूर जरूर।
अंदर आ जाओ। रुदम, उनको मेरा भी सलाम कहना और मेरी तरफ से उनका शुक्रिया अदा करना। इस थैले में क्या है? थोड़ा सा खाना है युजार सीफ के लिए। ये जंदान है, कसरे पुतिफार या इस्तराहतगाह नहीं। लेकिन चूंकि रुदामून ने यह भेजा है लिहाजा कोई हर्ज नहीं। युजार सीफ को ले आओ। युजार सिफ, जनाब किदामुन ने तुम्हें बुलवाया है। युजार सिफ सब। जनाब किदामुन, क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं? लेकिन मुख्तसर। बस करो नीमी साबू, चुप हो जाओ। ये बताओ, तुम मेरे जंदान से छुटकारा पाने की वजह से रो रहे हो? नहीं, आप जंदान में है इसलिए रो रहा हूँ। गलती कर रहे हो, मेरे लिए कसरे पुतिफार जंदान था, ये नहीं। ये कैद तो मेरे लिए सरासर निजात और आजादी है। ये मैं आपके लिए लाया हूं। बहुत अच्छा किया, तमाम कैदी खुश हो जाएंगे। लेकिन मैं ये सब कुछ आपके लिए लाया हूं, कैदियों के लिए नहीं। अच्छा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि इन्हें बिल्कुल ना दें, लेकिन थोड़ा सा आप खुद भी ले लीजिएगा, सब इन्हें मत दीजिएगा। अच्छा ठीक है। मैं समझता था कि कसर पुतिफार में सिर्फ बानो जुलेखा ही हैं जो तुम्हें शिद्दत से चाहती हैं, लेकिन यहाँ तो लगता है कि तमाम साकिनी ने कसर ही युजार सीफ की मोहब्बत में मुब्तला है। सिपास गुजार हूँ। बानो जुलेखा के हवाले से जनाब किदामुन को तुमने बताया है? नहीं नहीं, जनाब रुदामुन ने लिखा है। वो तुम्हें साहिब फहमो फरासत और तजर्बाकार समझते हैं और उम्मीद रखते हैं कि तुम्हारी मौजूदगी से जंदान की हालत ज़ार में बेहतरी लाई जा सकती है। ये तो जनाब रुदामुन की मोहब्बत है, अलबत्ता अगर आप इजाज़त फरमाएं तो कुछ असलाहत अमल में लाई जा सकती हैं। ये खाना कैदियों में तकसीम कर दें। आराम से, सबको मिलेगा, सब्र करो। ये लो मेरे भाई, और औरों को भी दो। अगरचे ये बहुत कम है,
लेकिन मुमकिन है कदूरत खत्म करने में ये कुछ मदद करे। कदूरत खत्म करने में हमारे दरमियान सिवाय कीना और नफरत के कुछ भी नहीं। रही कदूरत तो वो बदला और इंतकाम लेने के बाद ही खत्म होगी। कोई बात नहीं, लेकिन आज तक किसी ने भी नफरत और इंतकाम का अंजाम अच्छा नहीं देखा। तुम भी नहीं देखोगे। कीने की तलखी और गुस्से की शिद्दत कैद की तलखी को मजीद बढ़ा देती है। सिर्फ तुम्हारी वजह से इतने साल मुझे जंदान की सख्तियां झेलनी पड़ी और मैं इसका बदला लेकर रहूंगा। अगर चोरी न करते तो जंदान में भी ना आते। बेहतर होगा अपनी इसलाह कर लो। यहाँ किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं? आखिर क्यों यहाँ की सफाई सुथराई के लिए कोई कोशिश नहीं करते? अगर ये जगह ज्यादा ही साफ सुथरी हो गई तो फिर किस कम वक्त का यहाँ से जाने को मिल जाएगा। ये जंदान है ना, तो हम मेहमान हैं और ना ये मेहमान सरा। असल में हम सब यहाँ मेहमान ही हैं, न सिर्फ इस कैदखाने में बल्कि इस दुनिया में भी, जहाँ हमें कुछ अरसे रहकर चले जाना है। इस दुनिया या कैदखाने में आर्जी कयाम को जवाज़ बनाकर हमारा इस आलूदा और मुताफ़िन ज़िंदगी पर समझौता कर लेना मुनासिब नहीं। रोदामुन, माफ़ कीजिएगा जनाब रोदामुन, वो मुझसे मिले, मैं भी उनसे मिला, युजार सिंह की बात कर रहा हूँ। वो ठीक तो है ना? ठीक, बिल्कुल ठीक है,
उन्होंने तो चंद दिनों में ही दारोगा जंदान को भी अपना गर्विदा बना लिया है। आपका खत भी जनाबे कैदम उनकी खिदमत में पहुंचा दिया है। अच्छा, उन्होंने युजार सिफ को वहीं अपने पास बुलवाया। युजार सिफ ने मुझे अपने गले से लगाया और मुझसे मोहब्बत से पेश आए। वो कैद होने पर रंजीदा नहीं थे? रंजीदा बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वो तो बहुत खुश थे। कह रहे थे जंदान जावीरा जंदान जुलेखा से बेहतर है। गालिबन कारी मामा को मुझसे कुछ काम है। नहीं, बस युजार सिफ के बारे में पूछना था, सो जवाब मिल गया। गलत हो गया ना? इतना भी नहीं, फिक्र मत करो। अब ये जाकर बानो जुलेखा को सब कुछ बताएगी और तब बानो का गुस्सा काबिले दीद होगा। जंदान जावीरा जंदान जुलेखा से बेहतर। मैं जंदान जावीरा को तुम्हारे लिए जहन्नुम बना दूंगी ताकि तुम हर रोज हजार बार जुलेखा के अस्तबल में जिंदगी गुजारने की आरजू करो। तुम्हें दिखा दूंगी, देख लेंगे। लिखो, अब मेरा ये कसे जंदाने जावीरिया से भी बदतर हो गया। आप मेरा ये नहीं अहमक, ये मत लिखो। माफी चाहती हूँ बनूजू। लिखो, लिखो कि युजासी को जंदान में इसलिए डाला गया ताकि वो तायब होकर मेरी अतात करे। वो गुलाम जो अपने अरबाब इख्तियार की अतात ना करे उसे इतनी सख्त अजियतें और सहूमतें मिलनी चाहिए कि वो आइंदा फिर कभी हुक्म अदूली की जुरत ना कर सके। युजार सिर्फ जंदान और शिकंजों से तभी निजात पा सकता है जब मेरी अतात करने पर राजी हो जाए। ये युजार सिर्फ परवासी कर दिया जाए। आप जाएं और बानो जुलेखा से कह दें उनके हुक्म की अतात जरूर होगी। युजार सिंह, इंतखाब तुम्हारे अपने हाथों में है। तुम चाहो तो यहाँ से रिहाई पा सकते हो। बस बानो जुलेखा को मेरा इतना लिख देना ही काफी होगा कि युजार सिफ उनकी अताहत के लिए आमादा है। मैं इस असीरी को उस आजादी और राहत से कहीं ज्यादा पसंद करता हूँ। इस जंदान को मेरे लिए शिकंजा गाह जुलेखा के हुक्म के पेशे नजर बना दें या जाए पनाह ताकि उनकी चालों से महफूज रह सकूं। यह फैसला आप पर मुनहसर है। मेरी हतुल मकदूर कोशिश होगी कि जुलेखा के हुक्म पर अमल दरामद न करो। जनाबे किदामुन, क्या मैं आपसे एक दरखास्त कर सकता हूँ? कहो। हम कैद खाने के इस माहौल को तो अपने कैदियों की मदद से साफ सुथरा कर सकते हैं, लेकिन उनके फटे पुराने लिबास की तब्दीली हमारे दस्तरस से बाहर है। क्या आप हमारी मदद फरमाएंगे? कोशिश करूंगा। आप उपेश, जनाब फरमा रवा के खानसामा को कहीं देखा तो नहीं आपने?
निगेबान मोहतरम दुरूद हो आप पर। वो आप ऑफिस जना फरमारवा के मखसूस खानसामा को तो नहीं देखा आपने? मुझे उससे काम था। कुछ रोज पहले एक रात उन्हें यहाँ रखा और फिर यहाँ से ले गए। ले गए कहाँ? उसने क्या किया था जो उसे यहाँ लाए थे? पता नहीं, जनाब पोतीफार के हुक्म पर इन्हें रात को यहाँ लेकर आए और उन्हीं के हुक्म पर अगले सुबह उन्हें यहाँ से लेकर चले गए। उन्हें? मगर कितने लोग थे वो? वो दो अफराद थे, आपूपीस और बिनारूस। तुम्हें उनसे क्या काम है? कुछ नहीं, मेरे पास उसकी अमानत थी, वो उसे लौटानी थी। अच्छा मैं उसके घर चला जाता हूँ, शायद वहाँ मिल जाए। खुदाओं के हिफ्ज़ो अमान में रहें, खुदाओं के हिफ्ज़ो अमान में रहें। खुदा की लानत हो उन पर, लानत हो। दो माह होने को आए हैं लेकिन उनकी कोई खबर नहीं। बस अपने काम से मतलब था, अब हमसे क्या मतलब? जरा ख्याल नहीं किसी अहमक से कुछ तय भी किया था जिसने अपनी और अपने बीवी बच्चों की जान महज उनकी खातिर मुश्किल में डाल दी। अब उस पर क्या कयामत टूट गई, उन्हें अब उससे क्या मतलब? आखिर तुम उन खबीसों का नाम बता क्यों नहीं देते? जब उन जलीलों पस लोगों को अपने वादे का लिहाज नहीं तो तुम लिहाज क्यों करते हो? अब जबकि तुम मुसीबत में हो तो वो सगुन में क्यों रहे? बस करें, क्या हो गया आप लोगों को? जंदान के इस अफसुरदा माहौल को मजीद अफसुरदा मत करें। हम दोनों वो अहमक हैं जो जनाब आमून होता फरमा रवाए मिस्र को मारने चले थे। ये सोचे समझे बगैर कि वो खुद खुदाओं में से एक है, इतनी आसानी से मारे नहीं जा सकते। ये दो माह होने को आए लेकिन अब तक उनमें से कोई हमारी खबर गिरी को नहीं आया। और ये अहमक अब भी अपने शहरी के जुम्मन साथियों के साथ वफादार है और अब भी उनके नाम बताने को तैयार नहीं ताकि हम इस कैदोबंद से निजात पा सकें। तुम शायद बेवकूफ होगे लेकिन मैं नहीं। ये अभी नहीं जानता, जब तक हमारे पास कराने को कुछ है, पुतिफार और आमून हुतब हमें जिंदा छोड़े हुए, वरना जिन्होंने फरमा रवा के कत्ल का इकदाम किया हो तो उन्हें जिंदा रखने का क्या जवाब रह जाता है? जब तुम जानते हो कि बिलाखिर मारे जाओगे तो इस वाक्य के असल खताकारों के चेहरे को बेनकाब क्यों नहीं कर देते ताकि वो अपने कैफरे किरदार को पहुंचे? मैं अब भी पुरुमीद हूँ। हाँ, अब भी पुरुमीद हूँ। अगर निजात की कोई उम्मीद ना हो तब भी मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, नहीं, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। अगर कहीं उनका नाम बता दिया तो वो मेरे बी बच्चों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है ये साजिश महाबद आमून की जानिब से हुई है और आप उपीस की परेशानी बेजा नहीं। वो लोग नहायत बेरहम और संग दिल हैं। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त है ना? नहीं नहीं, मैंने कहा ना मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। हाँ, तुम्हारा मोहतात होना बजा है। अगर अपनी नहीं तो कम से कम अपनी बीवी बच्चों की जान तो बचा सकते हो। यानी फिर तो हमें खुदाओं की मदद मांगनी चाहिए। अब तो सिर्फ वही हमारी मदद कर सकते हैं। तुम्हारे खुदाओं में अगर मदद करने की ताकत हुई भी तो पहले तो वो काहिनान माबद और खुद आखमाहू और पादियामून की मदद करेंगे, ना कि तुम्हारी। तो क्या तुम्हारे ख्याल में ना हमें आमून की हमायत हासिल है और ना ही काहिनान आमून की? देखिए, मेरा मकसद आपके खुदाओं की आहानत करना हरगिज नहीं, लेकिन उम्मीद मदद रखना वो भी एक पत्थर के मुजस्मे से बईद अक़्ल है। तुम कौन हो जो हमारे खुदाओं को पत्थर के मुजस्मे कह रहे हो? युजारसीफ हूं मैं। युजारसीफ, पेशकार पुतिफार, वही
जुलेखा के माशके वाला। तुम लोगों को अपनी निजात के लिए किसी कादर और तवाना खुदा की जरूरत है। इन खुदाओं के बस में कुछ भी नहीं है। चलो चलो सब तैयार हो जाओ, पत्थर की कान पे जाना है, सब बना ले, इन्हें बांधो, जल्दी करो। जब जा रहे थे तो काफी परेशान थे, कह रहे थे मुमकिन है कोई नागवार हादसा पेश आ जाए। क्या अब तक कोई सुराग नहीं मिला उनका? हर एक जगह ढूंढ लिया लेकिन किसी को कुछ नहीं पता है। खानदान के अलावा और कहां जा सकते हैं? उन्हें भी कुछ नहीं पता है कहां गए। परेशान मत होइए, अगर उसका कोई सुराग मिला आपको इत्तला कर दूंगा। कैसे कोई खबर नहीं? ये उसका घर नहीं है क्या? मैं तो सोच रही थी कि उसके बारे में आपसे पूछूंगी, क्योंकि वो आखिरी दिनों में मुसलसल आपके और जनाबे आखमाहों के बारे में ही बात कर रहे थे। मसलन क्या कह रहा था? क्या मालूम, बस कह रहे थे कि कोई बड़ा वाकया रोनुमा होने वाला है, हमारे हालात और आपो पीस का औदा बदलने वाला है। कुछ अंदाजा है कहाँ गया होगा वो? नहीं जानती, नहीं जानती। मुझे तो तवक्को थी कि आप माबत वालों को कुछ पता होगा, कहीं वो किसी मुश्किल में ना फंस गए हो, कोई आफत ना आ पड़ी हो उन पर। नहीं, आप परेशान मत हो, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कुछ नहीं हुआ होगा। अगर कोई हादसा पेश आता तो अब तक पता चल गया होता।